हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए और आपको इसमें कैसे प्रैक्टिस करना है शॉर्ट हैंड की। तो बोर्ड पे देख सकते हैं जैसा कि शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस मेथड क्या है। तो ये जो थ्री फेज है लिसनिंग पावर, सबसे पहले तो आपको लिसनिंग पावर होना चाहिए, यानी कोई भी डिक्टेशन सुनने की तो लिसनिंग पावर होना चाहिए। दूसरा है रीडिंग एंड फाइंड एरर, कोई भी डिक्टेशन आप लेते हैं तो रीडिंग और फाइंड एरर करना है आपको डेली। तीसरा जो फेज है ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन द कंप्यूटर, यानी कि डिक्टेशन लेने के बाद रीडिंग करना है, रीडिंग करने के बाद आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना है। तो ये चलिए हम आपको ऐसे करके बता रहे हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा लिसनिंग, किसी भी डिक्टेशन को आपको ध्यान से सुनना है और लिखना है। एक डिक्टेशन 800 वर्ड्स का होता है जिसमें टाइमिंग 10 मिनट का होता है। एक दिन में कम से कम दो डिक्टेशन ही आपको लिखना है और ये डिक्टेशन अनसीन होना चाहिए, क्योंकि अनसीन में ही आपका एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में अनसीन ही आएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरा जो टॉपिक है रीडिंग एंड फाइंडिंग एरर। तो रीडिंग, लिखे हुए डिक्टेशन को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है और पूरे पैसेज आपको कहाँ कहाँ उस पैसेज में स्पेलिंग, ओमिशन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स और फुल स्टॉप की गलती को चेक करना है, इसे नोट डाउन करना है और उनको उस पैसेज में कम से कम जितने डिक्टेशन लेना चाहिए 4 या 5 बार जो आप प्रैक्टिस करेंगे उसी डिक्टेशन, एक ही डिक्टेशन को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो एरर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और स्पीड आपकी ग्रोथ होने लगेगी। अब हम बात करते हैं तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में आपका चेक होगा, यानी कि जो शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन जो आपने लिया उसको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना है। और ट्रांसक्राइब करने से पहले आपको 5 या 6 मिनट का रीडिंग के लिए समय मिलेगा जो आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने से ये आपको पता चलेगा कि कहाँ एरर है तो आप ठीक कर सकते हैं और कितनी गलतियां हुई हैं उसे वापस इसे प्रैक्टिस करें। और इस बीच कंप्यूटर टाइपिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।